आर्ट इनोवेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस पेन का रिव्यू करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं ये ऑफलाइन लेकर आई थी और इसका प्राइस ओनली 125 रुपीज़ है और ये बहुत ही सुंदर पेन है। और मेन चीज़ इसकी ये है, ये चीज़ल टिप में है और साथ में आपके इसका इरेजेबल है। जो हाइलाइटर इसमें पहले ये जो येलो कलर में आता था, ये अब 5 कलर में है। पहले ये सिर्फ न्यून कलर में येलो वाला ये वाला आता था, अब ये 5 कलर में आता है। और इसके पीछे जो ये इरेजेबल इसका टिप दिया है वो बहुत ही अच्छा है, उससे बहुत सुंदर इफ़ेक्ट आता है। आपने जैसे ही पहले देखा होगा कि मैंने सारा लिखकर दिखाया है, और ये सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और मैं देखिए आपको एक बार और लिखकर दिखा देती हूँ। एक्चुअली जब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो बहुत ही सुंदर इफ़ेक्ट आएगा। इसके साथ बस आपको मार्कर वगैरह की किसी भी चीज़ की एक आउटलाइन कर लीजिएगा। जैसे कि आपने मैंने पहले वीडियो में देखा ही कि मैंने किस तरीके से इसको हाईलाइट करने के लिए सिर्फ नॉर्मल स्केच पेन से इसकी ये इस तरीके से आउटलाइन कर दी थी, तो उसी से ये बहुत ही सुंदर लगेगा। और बीच में आप इसको हाईलाइट करने के लिए ये आप इस तरीके से इरेज कर सकते हैं। और इसका सुंदर मतलब जो भी मैं इसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ बहुत कम है, क्योंकि हम जो जिस तरीके से मैं एक वाइट पेन ढूंढ रही थी इस तरीके से हाईलाइट करने के लिए, तो ये कहीं पे भी अगर हम वाइट पेन से करते तो इतना अच्छा मुझे मिला नहीं। तो वो 60 रुपीज़ का एक पेन आता है, सोचिए अगर आपको सिर्फ इसी तरह से हाईलाइट करनी है। या बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपनी प्रोजेक्ट फाइल में लिखना है और वो बहुत सारा मटेरियल नहीं खरीद सकते, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके जो कलर्स हैं पेन के वो बहुत प्यारे हैं। और सब कुछ मतलब कलर कॉम्बिनेशन में, जैसे अगर आप कोई एक कलर में लाइट एंड डार्क में शेड करना चाहते हैं तो ये पिंक कलर है, और अगर आप इस तरीके से इसमें अलग अलग कलर यूज़ करना चाहते हैं तो ये 3 कलर हैं। तो इस तरीके से ये मुझे बहुत प्यारा लगा। अगर आप भी ख़रीदना चाहते हैं इनको तो आप ख़रीदिए, अपनी हेडिंग लिखिए प्रोजेक्ट फाइल में, या फिर आपको कोई ग्रीटिंग कार्ड लिखना है उसमें भी बहुत ही सुंदर है। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, चलते चलते लास्ट में बस एक मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में मैं और कई सारे पेनों का रिव्यू करने वाली हूँ और उनको डिटेल में समझाऊंगी कि ये पेन हमारे लिए वर्थेबल हैं या नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपने अगर हमें इस तरह की कोई वीडियो मिलती है तो हमें थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है कि ये किस तरीके का पेन है, हमारे लिए यूज़ में है या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।